नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। अमित शाह बीजेपी की संभागीय बैठक में शामिल होने के लिए जबलपुर पहुंचे और इस अवसर पर अमित शाह ने बैठक को संबोधित किया और आगामी विधानसभा चुनाव के लिए महाकौशल की 38 सीटों के लिए सभी पार्टी पदाधिकारियों को अपना मार्गदर्शन दिया। और इस अवसर पर अमित शाह ने उपस्थित सभी कार्यकर्ताओं को आगामी विधानसभा लोकसभा चुनाव में पार्टी को प्रचंड विजय दिलाने का भी संकल्प दिलाया। और केंद्रीय गृह सहकारिता मंत्री अमित शाह ने अमर शहीद राजा शंकर शाह कुंवर रघुनाथ शाह की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर अपनी श्रद्धा सुमन भी अर्पित की। और इस अवसर पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा समेत अन्य कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। सागर जिले में लगातार बगावत का जारी है। आपको बता दें कि टिकट न मिलने से कांग्रेस से नाराज चल रही नरायवली विधानसभा से चार बार की जिला पंचायत सदस्यता शारदा खटीक और उनके बेटे कांग्रेस पार्षद जीतू खटीक के साथ में बीजेपी की सदस्यता ली। और उन्होंने भोपाल में विधायक प्रदीप लारिया के नेतृत्व में भोपाल पहुंचकर सीएम शिवराज सिंह चौहान के सामने बीजेपी ज्वाइन की। और शारदा खटीक के बीजेपी ज्वाइन करने से कांग्रेस को निश्चित ही नुकसान होने की आशंका है, लेकिन एक तरह से सुरेंद्र चौधरी के लिए भी ये फायदेमंद भी साबित हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में रहकर शारदा खटीक सुरेंद्र चौधरी को भी ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती हैं। लेकिन दल बदल करने के बाद में शारदा खटीक सिर्फ एक चुनावी मोहरा न बनकर रह जाएं। जब जनता साथ होती है और बिल्कुल स्पष्ट लिख रहा है नरयावली में लोग उनके पांच साल से त्रस रहे हैं, उनके पांच साल से त्रस रहे हैं, आज भी लोगों के जहन में वो बात है। और मुझे लगता है कि अब भारतीय जनता पार्टी यहां से हम सब कार्यकर्ता और जनता की ओर से यहां पर कमल खिलेंगे। शिवराज सिंह जी को, हमारे विधायक प्रदीप लारिया जी को धन्यवाद देता हूं, जिनने मुझे इस काबिल समझा कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। आपने केमिकल मुद्दे हों चाहे कई मुद्दे ऐसे हैं जो भ्रष्टाचार को लेकर लगातार आपने नगर पालिका को घेराव किया है, सरकार को घेरा है, लेकिन अचानक आप सरकार के पक्ष में जाते हैं जनता के छोड़कर। देखिए क्या है, कमलनाथ जी जो वादे करते हैं, जो उनने घोषणाएं की, वो सब झूठी रहती है। जैसे कि उनने हमसे, हम कांग्रेस पार्टी में उस समय हमसे भी एक वादा किया था, हम आपको पार्टी से टिकट देंगे, परंतु जिस तरीके की ये घोषणाएं करते हैं और हम लोगों से बोलते हैं, वो सब झूठ बोलते हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की हलचल तेज हो गई और इस बीच आगर विधानसभा में भी चुनावी हलचल देखने को मिल रही। वर्तमान में इस विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी विपिन वानखाड़े विधायक हैं। और आपको बता दें कि दूसरी तरफ बीजेपी प्रत्याशी मधु गहलोत इस विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। आपको बता दें कि इस विधानसभा शाहजहांपुर देवास लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है। मध्यप्रदेश में विधानसभा चुनाव अब नजदीक हैं, जहां ऐसे में बीजेपी कांग्रेस समेत तमाम दल अपना अपना दम दिखाते नजर आ रहे हैं। और बीजेपी जिला पंचायत सदस्य मुकेश केलकर से भी हमारे संवाददाता विकास एवं बीजेपी के कार्यकाल और सीएम शिवराज सिंह चौहान की कार्ययोजनाओं के संबंध में विशेष चर्चाएं की। मुकेश केलकर ने भी बताया कि हमारे क्षेत्र की जनता को बीजेपी द्वारा चलाई जा रही योजना का भारी लाभ मिला है। भारतीय जनता पार्टी ने गांव ही नहीं पूरे प्रदेश में बहुत अच्छा काम किया, जो भी जितने भी प्रत्येक गांव में सड़क बनाने का काम किया है, प्रत्येक गांव में स्वास्थ्य की सुविधा के लिए जैसे कि जननी सुरक्षा योजना के माध्यम से विकास करती है, जितने भी विकास हुए मध्य प्रदेश में, कांग्रेस सरकार जो 2003 के पहले थी उस समय पूरा मध्य प्रदेश में बिल्कुल एक तानाशाही की सरकार थी और कोई विकास नाम की कोई चीज नहीं थी। उसके बाद जितना विकास दिख रहा है ये सब भाजपा की देन है। विधानसभा क्षेत्र नीमच के बीजेपी उम्मीदवार दिलीप सिंह परिहार ने ग्राम सोनियाड़ा में वरिष्ठ बीजेपी नेता वीरेंद्र पाटीदार की उपस्थिति में उन्होंने कहा कि जहाज का पंछी उड़कर कहीं पर भी नहीं जाएगा, वहां पर वो पुनः उड़कर जहाज पर ही आएगा। सांसद सुधीर गुप्ता सहित सैकड़ों कार्यकर्ता की मौजूदगी में पाटीदार ने बीजेपी उम्मीदवार परिहार को भी साफा बांधा और कहा कि दिलीप बापू को 25,000 से अधिक वोटों से जीत दिलाएंगे। साथ ही श्री पाटीदार ने बीजेपी उम्मीदवार परिहार के सामने निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा की थी। बीजेपी नेता पाटीदार ने भी कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि राष्ट्र सबसे बड़ा है और उसके प्रति समर्पण को हमें भूलना नहीं चाहिए और भारत की संस्कृति मिटाने वाले और आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों को जिंदा रखेंगे तो ये देश लेकर डूब जाएगा।
मेरा मन हुआ कि मेरे राष्ट्र के प्रति मेरा जो समर्पण है वो मैं कहीं भूल न जाऊं। सांसद मोदी जी ने कहा वीरेंद्र फार्म नहीं भरना, ये भारत की संस्कृति मिटाने वाले और ये आतंकवाद को बढ़ाने वाले को अगर तुम जिंदा रखोगे तो ये देश डूब जाएगा, तुम्हारे जैसे कार्यकर्ताओं की आवश्यकता है। और मैं आपको विश्वास दिलवाता हूँ दिलीप बापू को 25,000 से हम जिताकर देंगे। तो वहीं भोपाल में विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से हैं, जिसमें बीजेपी ने इस बार भोपाल के मध्य विधानसभा से पूर्व विधायक ध्रुव नारायण सिंह पर अपना विश्वास जताया है, जिनकी टक्कर में वर्तमान कांग्रेस विधायक मैदान में है। और इस कड़ी में बीजेपी प्रत्याशी ध्रुव नारायण सिंह से खास बातचीत की है। विधानसभा मध्य विधानसभा से बीजेपी ने उम्मीदवार चुने हैं, हमारे साथ ध्रुव नारायण जी जो कि हमारे विधायक हैं, सक्रिय नेता हैं, लोकप्रिय नेता हैं, हम इन्हीं से बात करते हैं। नमस्कार सर, सर नजरिया साफ है कि यादव सिंह जैसे भारतीय जनता पार्टी के हाथ से फिसल के कांग्रेस में चली गई थी, पार्टी ने मुझे जिम्मा दिया है कि इस सीट को वापस मैं भारतीय जनता पार्टी में लेके आऊं, तो हम और हमारे कार्यकर्ता मिल के भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किए, मोदी जी का जो चेहरा है हमारे सामने, उस आधार पर इस सीट हम वापस लेके आएंगे। 14,000 से ज्यादा वोट से बड़ी कहा जाए तो मार्जिन है, उसको कैसे आप देखते हैं, कितनी जल्दी फील कर सकते हैं या बहुत अच्छे मार्जिन से आप जीत जाएंगे? देखिए एक लाइन में अगर मैं कहूँ तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि वो हार गई, वो जीत नहीं थी किसी की, वो बीजेपी की हार हुई इसलिए कोई जीत गया। अब वो हार नहीं होगी तो कोई जीतेगा ना। कांग्रेस आरोप लगाती है कि बीजेपी के जो मुख्यमंत्री है घोषणा विरोध मंत्री कुछ करते नहीं है और चारों तरफ भ्रष्टाचार फैला रखा है, कमल खिला है लेकिन कीचड़ में, और अब इस कीचड़ और कमल दोनों को साफ कर देंगे। ऐसा है कि मूर्खों की बातों का जवाब देना नहीं चाहिए, तो मुझे नहीं समझता कि इन बातों का जवाब दो। शिवराज जी के काम से पूरे देश वाकिफ है, शिवराज जी ने जो घोषणाएं की उनको पूरा किया, इससे ये मूर्खतापूर्ण बातों का मैं क्या जवाब दूं। दमोह में आज प्रियंका गांधी का दौरा था जिस पर 9 सवाल स्वयं मामा ने उठाए हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उनसे 9 सवाल पूछे थे, उनमें कई चीजें संबल योजना बंद कर दी, लैपटॉप योजना बंद कर दी, बच्चों को पैसे बंद कर दिए, 12,000-20,000 के घूमो बंद कर दिए, कई चीजें, उस पर आप क्या कहेंगे? संबल योजना बंद नहीं हुई, ये गलत बात है। नहीं, कांग्रेस से पूछा गया था, कांग्रेस ने अच्छा, कांग्रेस से बंद सारी योजनाएं, ये सही है, कमलनाथ जी जब आए थे उन्होंने सारी योजनाएं बंद कर दी थी, कर्ज माफी का वादा किया था तो कर्ज माफी नहीं की, 15 महीने भ्रष्टाचार के अलावा कांग्रेसियों ने हावड़ा तगाड़ी लेके पैसे बटोरे, इसीलिए उसमें जो एक अच्छा धड़ा था सिंधिया जी वाला वो उनको छोड़ के हमारे साथ आया कि भाई वो इस भ्रष्टाचार में रहना नहीं चाहते थे। फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, फिर से सारी योजनाएं लागू हुई और फिर से सारे जन कल्याणकारी कार्य हुए। पूर्व विधायक रहे हैं सर, पहले भी आपको जनता का समर्थन अपार मिला था और वापस ध्रुव नारायण जी मैदान में आ गए, सामने जो पार्टी है उनका दावा है कि बहुत बुरी तरह से इस बार फिर से हार होगी बीजेपी, आप उनसे क्या बयान की उम्मीद रखते हैं? क्या आप ये चाहते हैं कि वो बोलें कि मैं हार रहा हूँ? तो सवाल एक है कि वो तो यही कहेंगे ना, लेकिन उनकी हालत उनके दिल को पता है, पूरी जनता को पता है कि इस बार कांग्रेस की हार बुरी तरीके से सुनिश्चित है। ध्रुव नारायण जी जनता के बीच उतर गए, ऐसे क्या मुद्दे होंगे सर आपके जिससे आपको विश्वास है कि जनता आपको दिल में उतार रही है? इसके पीछे बहुत सी रीजन है, एक तो हमारे पास जो चेहरा है नरेंद्र मोदी जी का, उसके बाद प्रदेश की सरकार के काम है, फिर जब मैं विधायक था तब मेरे काम से पूरी विधानसभा संतुष्ट थी और सब लोग उस वक्त बहुत पूरी तरह से संतुष्ट थे, इसीलिए उसके अगला चुनाव भी हम जीते थे, तो एक तो ये रीजन है। और दूसरा इनका फेलुअर, इन्होंने अभी ये जैसे पटेल नगर, आप पूछो पटेल नगर वासियों से कि 5 साल में विधायक ने कोई काम किया, पूछिए। नहीं नहीं आए नहीं, उसके बाद नहीं आए, कोई काम नहीं आए, तो ये यही कहेंगे पूरे विधानसभा में, एक ही नारा लगेगा कि नहीं आए कोई काम नहीं किया, तो इनका जो फेलुअर है वो भी हमारी जीत का एक बहुत बड़ा कारण है। एक ऐसा कोई स्लोगन जो ध्रुव नारायण जी देंगे अपने कार्यकर्ताओं को कि एकजुट होकर काम करें और बीजेपी की सरकार यहाँ पर? देखिए स्लोगन तो बहुत बनते बिगड़ते रहते हैं, स्लोगन पे नहीं, लेकिन हमारे कार्यकर्ता कमिटेड हैं और वो संकल्पित हैं कि हमें जिताना है,
और हमारा एक ही नारा है कि विकास किया गुजरात का। सर एक चीज और, एक आरोप लगता है कि हमेशा राम के नाम पर वोट मांगती आई है बीजेपी, लेकिन अब तो राम मंदिर बन चुका है, आप बीजेपी किस नाम से चुनाव में आई है और वोट मांगेगी, विकास के नाम पर या फिर से जातिवाद के नाम पर? ये तो बीजेपी विकास के नाम पे वोट मांगती है, कार्यक्रम के नाम पे वोट मांगती है, नीति सिद्धांत के नाम पे वोट मांगती है। ये फिर मैंने कहा ना, ये मूर्खतापूर्ण दलील है कि विकास राम के नाम पे वोट मांगी। कहाँ राम के नाम पे हम वोट मांगे, हम तो विकास के नाम पे आपके सामने वोट मांगे। नीति और नीति क्या रहेगी भाजपा की, जिससे हर जो आपका कार्यकर्ता वो संतुष्ट हो और एक छवि जो आपकी बनी हुई है वो आगे भी ऐसी ही बनी? बस यही कि विकास किया, विकास करेंगे। हमारा नारा था और हम विकास ही करेंगे, भाजपा विकास के नाम का विधायक कैसा हो, भाजपा जीतेगी। कांग्रेस ने कोई काम नहीं किया है, आप यहाँ के हालात देख सकते हैं। अब देखना ये होगा कि जनता दूर नारा है हमने या कांग्रेस बाजी मार ले। पंधाना विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी छाया मोरे ने छह गांव माखन के गोगल गांव और इंदिरा कॉलोनी में जनसंपर्क किया। जगह जगह छाया मोरे का कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इस अवसर पर बीजेपी मंडल अध्यक्ष मुकेश पटेल, बीजेपी युवा मोर्चा अध्यक्ष जयपाल सिंह चौहान भी मौजूद रहे। 4000 का हमारे आदरणीय मोदी जी और आदरणीय शिवराज सिंह जी, जिन्होंने क्षेत्र के लिए वो समृद्ध भारत, मतलब यहाँ पर जो है राष्ट्रवाद के हित में जो काम कर रहे हैं हर वर्ग के लिए, चाहे किसान हो, महिला हो, मजदूर हो, आदिवासी हो, युवा बेरोजगार हो, सभी लोगों के लिए वो काम कर रहे हैं। भोपाल में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। हर प्रत्याशी अपने क्षेत्र में जनसंपर्क करने में जुटा है और जीत की हर संभव कोशिश कर रहा। इसी को लेकर हमारी टीम ने भोपाल की नरेला विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी मनोज शुक्ला से खास बातचीत की। क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनाते हैं आपको। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यन टीवी और मैं हूं आपके साथ पूजा। लोकतंत्र के महात्यौहार की तारीखें फाइनल हो गई है। सभी पार्टियों ने अपने अपने योद्धा रणभूमि में उतार दिए हैं और सभी योद्धा अपनी तैयारियों में जुटे हैं। नरेला विधानसभा सीट भोपाल की जहां हम पहुंचे हैं, कांग्रेस प्रत्याशी मनोज शुक्ला जी हमारे साथ हैं, इनसे हम बात करते हैं। नमस्कार सर, 2023 विधानसभा चुनाव किस दृष्टि से देखते हैं? ये नरेला विधानसभा का जो चुनाव है, मैं आपको बताऊं कि ये चुनाव सत्य और असत्य के बीच में है। यहाँ 15 साल से नरेला की जनता मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रही है। नरेला एक ऐसी विधानसभा है, आपने कई बार आप समाचार पत्रों के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से आपने सुना होगा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हमेशा ये बात कहते हैं कि जो जहां रह रहा है वो उसकी जगह है। पर नरेला एक ऐसी विधानसभा है कि इस नरेला विधानसभा में एक अन्ना नगर बस्ती आती है, जिसमें 15 सालों में, यहाँ 15 सालों से भारतीय जनता पार्टी का जनप्रतिनिधि है, जो मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 10 साल मंत्री रहे। उसके बाद भी अन्ना नगर के लोगों को पट्टे नहीं मिले। और दूसरी बात, अन्ना नगर में लोगों के पास लाइट का कनेक्शन नहीं है, 15 साल हो गए। मध्य प्रदेश की राजधानी में ये हाल है आपका कहना? ये हाल है। रूपनगर बस्ती को पट्टे नहीं मिले, मोती नगर को उजाड़ा जा रहा है, ब्लूमून कॉलोनी को उजाड़ दिया गया है। आपकी जिससे अभी सीधा सीधा अगर देखा जाए तो जिससे आपका रण है, वो काफी समय से विधायक मंत्री भी रहे हैं, कद्दावर नेता कहे जाते हैं भाजपा के, और पिछली बार भी काफी बड़ी जीत उन्होंने दर्ज की थी, बहुत बड़ा मार्जिन था, उस खाई को मनोज शुक्ला कैसे भर पाएंगे? मनोज शुक्ला ऐसे भर पाएंगे कि पिछले 5 वर्षों से मैं नरेला विधानसभा की जनता जनार्दन के बीच में हूँ, मैं उनका सुख दुख का साथी हूँ। जब कोरोना नामक महामारी पूरे देश में आई तो चुने हुए जनप्रतिनिधि भोपाल छोड़ के भाग गए और उसी विभाग के मंत्री थे जब जनता रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए रोड पे घूम रही थी, हमारे अपने हमसे दूर हाथ छोड़ के जा रहे थे। एक रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मिला,
हमीदिया की तिजोरी से इन्हीं के कार्यकाल में रेमडेसिविर इंजेक्शन चोरी हो गए और ये भोपाल छोड़ के भाग गए, जनता को अकेला छोड़ के। तब मनोज शुक्ला नरेला विधानसभा की जनता के बीच में हम गए, हमारे तमाम कांग्रेस के साथी गए, हमने 1,000,000 मास्क मुंह पे लगाने वाले बांटे, लोगों के सुख दुख में खड़े हुए, उनको खाने का सामान दिया, उनको जो भी हम कर सकते थे उनके बीच में हमने किया। नरेला विधानसभा से मनोज शुक्ला का नाम फाइनल कर दिया गया है, उन पे विश्वास जताया है कांग्रेस पार्टी ने, उस विश्वास को कैसे कायम रखेंगे, ऐसे क्या विकास के मुद्दे लेकर आप जनता के बीच में जाएंगे कि आपको उनका आशीर्वाद मिले जनता का और आप ये सीट जीत जाए। नरेला विधानसभा में जनता अगर मुझे आशीर्वाद देती है तो जो नरेला की जनता आज भी मूलभूत सुविधाओं से परेशान है, मेरे बनते ही वो मूलभूत सुविधाओं के लिए मैं काम करूंगा। नरेला में सड़क नहीं है, नरेला में नाली नहीं है, आप देखिए, आप ऐसे किसी भी क्षेत्र में, ये हमारे कार्यालय के पीछे एक बस्ती है, यहाँ चले जाइए आप देख लीजिए क्या स्थिति है, गंदगी का अंबार है, झाड़ू नहीं लगती है, कोई काम नहीं होता, जनता त्राही त्राही कर रही है, लेकिन लोग डरे हुए दबे हुए हैं क्योंकि अलीबाजी, गुंडागर्दी, जुआ, सट्टा, अवैध कार्य का संचालन, सारा ये विधानसभा क्षेत्र इस कार्य के लिए जाना जाता है भोपाल में। आज भी भारतीय जनता पार्टी में गमछे डालकर भोपाल के हिस्ट्री सीटर गुंडे घूम रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लिए लोगों से मतदान करने की अपील कर रहे हैं। विश्वास सारंग एक ऐसा नाम जो बड़े नामों में गिना जाता है, उन्हीं से आपकी सीधी फाइट है, मनोज शुक्ला एक जन नेता क्या इतने बड़े नाम को हरा पाएगा? जनता आपको 17 तारीख को बता देगी कि कौन हारेगा कौन जीतेगा। मुझे तो जहां भी मैं जनसंपर्क करने जा रहा हूं जनता का भरपूर प्यार भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है, और मैं कह रहा हूं कि आदमी लोग मुझसे ये कह रहे हैं कि तुम खामोश रहो, जनता जवाब देगी, मनोज शुक्ला पे किए हुए काम को जनता 17 तारीख को जवाब देगी। दिग्विजय सिंह के करीबी माने जाते हैं आप और कई समय से सक्रिय भी हैं इस क्षेत्र में, काफी समय हो गया, कमलनाथ जी ने भी के लिए कांग्रेस घोषणा कर चुकी है और भावी मुख्यमंत्री उन्हें मान लिया गया है, क्या जो रिजल्ट्स आने वाले हैं वो उसी अनुरूप आएंगे? मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी 150 से ज्यादा सीटें जीत रही है और पूरे प्रदेश में कांग्रेस का परचम लहराएगा। एक वचन पत्र कांग्रेस ने जारी किया है, क्या वो वचन पत्र जो उसमें जो जो बातें कही गई है उन पे खरी उतरेगी कांग्रेस? कमलनाथ जी ने पहले भी जनता को वचन दिया था, 15 महीने में 3 महीने आचार संहिता में निकल गए, 12 महीने उनको काम करने को मिला, लाखों किसानों का कर्ज माफ हुआ, 200 रुपए की विधवा पेंशन को 600 रुपए कर दिया गया, तो काम करना शुरू किया था, लेकिन अचानक रातों रात हमारी सरकार चुरा ली जाती है, ये तो सबको मालूम है ना, और सरकार चुनी हुई सरकार को चुराया है तो जनता जवाब दे। सर, वो आप ही लोगों में से थे जो सरकार छोड़ के चले गए, क्या इस बार ऐसा तो नहीं होगा कि अगर चुनाव जीते और कांग्रेस के कुछ लोग बागी हो जाएं और फिर से सरकार बन जाए? बागी आदमी होता नहीं मैडम, उसको किया जाता है, और बागी करने के कई प्रकार के कारण होते हैं, और आपको मालूम है कि पिछली सरकार कैसे गिरी, बीजेपी ये काम करने में माहिर है, कर्नाटक में भी यही काम हुआ था, कर्नाटक की जनता ने कितना मकबूल जवाब दिया ना, ऐसी मध्य प्रदेश की जनता भी इनके किए इनने जो सरकार गिराने का जो काम किया था उसका जवाब देने के लिए। से भाजपा का विजय, कितने विकास कार्य हुए हैं और क्या नहीं है जिससे नरेला तरस रहा है? निश्चित रूप से विकास कार्य हुआ, लेकिन विकास हुआ है विश्वास सारंग का, रोडों के नाम पर डामर लिपा गया है रोडों पर, और किसी भी बस्ती में आप चले जाइए ना सड़क है ना नाली है, कोई भी मूलभूत सुविधा नरेला की जनता के लिए नहीं है, ये ब्रिज हमें यहाँ का भारत टैकिज का आप इसका भूमि पूजन उद्घाटन हो गया है और ब्रिज गड्ढे हो रहे हैं और धूल उड़ रही है, वहाँ के लोग परेशान हैं, करोद का आरोपी आप जाके देख लीजिए क्या हाल है, उसका भी उद्घाटन हो गया, हजारों करोड़ रुपए के भूमि पूजन कर दिए। भिंड में सिटी कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता मिली, आपको बता दें कि जहां पुलिस ने अवैध हथियार की तस्करी करने वाले आरोपी को पकड़ा जिनके कब्जे से भारी मात्रा में अवैध हथियार और एक मोटरसाइकिल बरामद की है, फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही। गत दिवस रात्रि में हमको सूचना मिली लगभग 12 के आसपास कि जो बेटी बचाओ हमारा जो चौराहा है यहाँ पे कुछ लोग
अवैध हथियारों को लेकर खड़े हैं और बिक्री के लिए कुछ लोगों को ढूंढ रहे हैं, तलाश रहे हैं और उनके अपने क्रेता विक्रेता हैं। इसी बात को लेकर जैसे ही सूचना मिली, तत्कालीन थाना कोतवाली टीआई द्वारा एक टीम गठित करके जो सब इंस्पेक्टर अतुल हैं उनके निर्देशन में एक टीम गठित की गई तत्काल और भेजा गया। वहां से दो व्यक्तियों को हमने राउंड ऑफ किया। भोपाल में कांग्रेस कार्यालय में वाल्मीकि जयंती मनाई गई। आपको बता दें कि जिसको लेकर हमारी टीम ने कांग्रेस प्रवक्ता फराह खान से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने बताया कि महापुरुषों की जन्म जयंती मनाना पुण्यतिथि और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करना हमारी संस्कृति है। नमस्कार, हम खड़े हैं भोपाल के पीसीसी कार्यालय में जहां वाल्मीकि जयंती मनाई गई। आज हमारे साथ है कांग्रेस प्रवक्ता फराह खान मैम, हम इन्हीं से बात करते हैं आज के कार्यक्रम की रूपरेखा थी। और प्रियंका गांधी जी जो दमोह में दौरा कर रही है, पांचवें महीने में आज उनका पांचवा दौरा चुनाव है। नमस्कार जी, आज जो वाल्मीकि जी की जयंती यहाँ पर मनाई गई है, जैसा कि ये हमारी परंपरा है, देश के जितने भी महापुरुष हैं, देश के हित में रहा है, जो कल्याणकारी काम किए गए, समाज के लिए काम किए गए, ऐसे लोगों को हम हमेशा याद करते हैं उनकी पुण्यतिथि पर और उनकी जयंती पर भी हम लोग उनको पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। तो आज उसी क्रम में ये कार्यक्रम रखा है। प्रदेश में श्रीलंका जी पांचवें महीने पांचवा दौरा जम्मू में आज उनका दौरा है, विधानसभा चुनाव को लेकर कैसे आप देखिए? ये चुनावी टाइम है, चुनावी माहौल है, तो इस वक्त ये तो एक आम बात है कि इस तरह की सभाएं हम लोग भी करते हैं और अन्य पार्टी के लोग भी, उनके बड़े बड़े जो नेता होते हैं, केंद्र के नेता, यहाँ आकर मध्य प्रदेश में, क्योंकि चुनाव के अब कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। तो आज जो प्रियंका जी का दौरा है वो उसी को लेकर है और मुझे लगता है कि जैसे कि अब तक की जो चार सभाएं उन्होंने करी हैं उसमें जो भारी जन समर्थन हमारे प्रियंका जी को हमारे इस कार्यक्रम को मिला है, आज के कार्यक्रम में भी ऐसा ही जन समर्थन रहा है। और जैसा कि इससे पहले उन्होंने मध्य प्रदेश में जो अब तक घोटाले हुए हैं, जो भ्रष्टाचार हुए हैं, उनको उजागर किया है, हमारी योजनाओं के बारे में बताया कि हम आएंगे तो क्या विकास के काम करेंगे, तो इसी को लेकर आज का भी आज उनके दौरे को लेकर एक वीडियो वायरल हो रहा है। शिवराज सिंह चौहान जो मुख्यमंत्री हैं वर्तमान, उनने 9 सवाल पूछे हैं। संबल योजना क्यों बंद कर दी, बेटियों को पैसे क्यों नहीं दिए गए, लैपटॉप योजनाएं क्यों बंद कर दी, ऐसे 9 सवाल उनमें दागे हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, शिवराज सिंह जी पहले अपने अंदर झांके, अपने गृहबान में झांके, जो जिनको उन्हीं की पार्टी सीएम का चेहरा भी नहीं मान रही है, उनका चेहरा तक हटा दिया गया। आज आप देखेंगे भोपाल में जहां भी कुछ उनके होर्डिंग्स लगे हुए हैं उसमें प्रधानमंत्री जी का चेहरा बड़ा सा करके चस्पा कर दिया गया और शिवाजी का छोटा सा एक साइड में लगा दिया गया। वो सवाल पूछने की हिम्मत कर रहे हैं, यही बड़ी बात है। जो 18 साल में उन्होंने प्रदेश की दुर्गति करी है, पूछना मैं चाहती हूँ कि उन्होंने जो मध्य प्रदेश को महिला उत्पीड़न में नंबर वन पर ले आए हैं, दलित अत्याचार में नंबर वन पर ले आए हैं, कर्जा इन्होंने इतना एक एक नागरिक के ऊपर, यहाँ तक कि आज जो बच्चा पैदा भी हो रहा है वो लगभग 47,000 रुपये का कर्जदार है, बेरोजगारी की तो कोई सीमा ही नहीं है। और ये तो मैंने 2-4 सवाल पूछे, अगर हम पूछने बैठ जाएंगे तो फहरिस्त बहुत लंबी है। तो पहले वो इन सवालों के जवाब तैयार करें, क्योंकि सत्ता वो संभाले हुए इतने सालों से, उसके बाद वो पूछे। कांग्रेस मान चुकी है कि सरकार आ रही है, भावी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री घोषित कर दिए गए हैं कमलनाथ जी, तो आप इसको कैसे देखते हैं? क्या हम आपकी जो पार्टी है कांग्रेस सरकार बना रही, कमलनाथ जी आ रहे हैं और कमल की विदाई हो रही है? बिल्कुल, कमल की विदाई हो रही है, क्योंकि इतने सालों से जो एक कीचड़ फैला हुआ है प्रदेश में जिसमें वो कमल खिला रहे थे, जनता उस कीचड़ की बिल्कुल पूरी तरह से सफाई करने वाली है और उस कमल को जड़ से उखाड़कर फेंकने वाली है। और आने वाले समय में 27 नवंबर को जनता इसका प्रमाण देगी, वोट के जरिए से इनको जवाब देगी और हमारी सरकार बनेगी। आखिरी सवाल, कांग्रेस पे आरोप लगता है हमेशा जातिगत समीकरण बना देते हैं, जाति को लेकर बात करते हैं, तो इस बार कांग्रेस किस मुद्दे पे चुनाव लड़ रही है? विकास और भ्रष्टाचार खत्म करना है, बेरोजगारी खत्म करनी है, या फिर से वही जो कहते आ रहे हैं कि नहीं जातिगत बात की जाती है? देखिए, कांग्रेस का हमारा जो एक मैनिफेस्टो हमने अभी जारी किया है जिसको हमने नाम दिया है वचन पत्र, अभी तक आपने देखा नहीं होगा कि ये नाम किसी भी मैनिफेस्टो में दिया गया है, तो हमने जो वचन दिए हैं वो मैनिफेस्टो सिर्फ घोषणाएं नहीं है हमारी,
और हम विकास पर भी विकास करेंगे आने के टाइम में। हमने उसमें सारा, हमने उसमें किसानों को भी लिया है, हमने उसमें वकीलों को भी लिया है, जो वकील आज आप देखते होंगे कि वकालत करने के बाद कई सालों तक वो बेरोजगार ही रहते हैं। तो 5 साल का स्टाइफंड के लिए ये ऐसा मुझे लगता है पहली बार इस तरह की घोषणा की गई है। मध्य प्रदेश की IPL टीम बनेगी, इस तरह की सिर्फ घोषणा नहीं है, ये वचन है, हम करके भी दिखाएंगे, क्योंकि 15 महीने की जो सरकार थी उसमें भी हमने कई सारे वचन पूरे किए थे। कांग्रेस रीति और नीति पे खरी उतरेगी, आप कह सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, जो हम कमलनाथ जी जो कहते हैं वो ऐसे ही नहीं कहते हैं, वो सारे आकलन करके कि हम क्या कर सकते हैं। जैसे कि उन्होंने 1500 महिला सम्मान निधि का बोला कि हम 1500 देंगे, तो उस पर पूरा रिसर्च किया गया, पूरी इस पर स्कीम बनाई गई है कि हम कितना कर सकते हैं, क्योंकि प्रदेश हमारा जो है अभी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कर्जे में है, तो एक सवाल भी उठता है, लेकिन हमारी क्या रणनीति होगी, हम कैसे प्रदेश में इन्वेस्ट कराएंगे बाहर की कंपनियों का, हम कैसे रेवेन्यू जनरेट करेंगे। और जब देखिए 50% कमीशन का जो भ्रष्टाचार चल रहा है, अगर वो हम खत्म कर देंगे तो अपने आप हमारा जो बजट है उसका आधा पैसा हमारा बचेगा, तो इससे हम कल्याणकारी योजनाओं को पूरा करेंगे। कमलनाथ जी को आप मान चुके हैं मुख्यमंत्री, भावी मुख्यमंत्री घोषित कर दिया गया है और कुछ ही दिन में चुनाव निकल सामने आएंगे। एक आखिरी ऐसा कोई स्लोगन जिस पर पूरी कांग्रेस एकमत होकर चुनाव लड़े? स्लोगन ऐसा कोई नारा जिसके साथ कांग्रेस अपना चुनाव लड़े? बहुत हुई महंगाई और भ्रष्टाचार की मार और हम लेकर आ रहे हैं कमलनाथ सरकार। ये थे हमारे साथ फरहा मैम, जो कांग्रेस प्रवक्ता, उन्होंने बताया कि भ्रष्टाचार की जो सरकार है उसके दिन पूरे हो चुके हैं, कमलनाथ जी सरकार बना रहे हैं, मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। हमने सिर्फ भावी मुख्यमंत्री ही घोषित नहीं किए, हमें पता है कि आने वाले समय में मुख्यमंत्री कमलनाथ जी बन रहे हैं और सरकार कांग्रेस की बनेगी। आर्यन टीवी के साथ पूजा बंजोत्रा। लाइव बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।